अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे, जो पॉडकास्टर हैं रणवीर अहलूवालिया, उनका कोई एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया जिसमें वो नो फैप के बारे में बात कर रहे थे। सेक्सुअल एनर्जी इज वेरी वेरी पावरफुल, इज एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल। 40 दिन में भोजन करने से एक बूंद भी नहीं बनता है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्त मैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। Semen is of an extraordinary level of potency. ऐसा लग रहा है पुराना नारा, वीर बचाओ वीर बढ़ाओ। कुछ लोगों ने मिलकर एक कम्युनिटी की स्थापना करी थी, उस कम्युनिटी का नाम उन्होंने दिया था नो फैप कम्युनिटी। और इसका मतलब है नो फैप, फैप मतलब वो घटिया स्लैंग तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। तो नो फैप का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो कि मस्टर्बेशन के एडिक्शन को छोड़ने के लिए दावा करते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेलिबेसी में रहता है, मस्टर्बेशन नहीं करता है, पॉर्न नहीं देखता है, तो उसको बहुत सारे शारीरिक मानसिक फायदे होते हैं। तो टोटल मिला के मस्टर्बेशन नहीं करने के लिए जो मोटिवेट करते हैं वो एक कम्युनिटी है, नो फैप कम्युनिटी। वास्तव में ये कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। तो उन्होंने मुझसे जब ये बोला तो बोला कि यार हमने तो आयुर्वेद में ही बहुत कुछ सुना है कि यार ब्रह्मचर्य के इतने फायदे होते हैं, ब्रह्मचर्य करने से आपको समाधि प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और शुक्र की एक एक बूंद में इतनी ऊर्जा होती है, उसको इस तरीके से निकालते रहना वो गलत बात है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे से सारे सवाल पूछे। तो मैंने उनको बोला कि यार सवाल का आंसर ना मैं वीडियो बना के दे देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाने जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा बेहतर है कि इस मामले में वीडियो बनाते हैं। तो आज का ये वीडियो इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में होने वाला है। मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिया था आगे का जो मुझे पढ़ाना है आपको, फिर मुझे लगा कि यार एक वीडियो में तो हो नहीं पा रहा है, तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ की तीन वीडियो आपको इसमें दूंगी। पहले वीडियो में हम देखते हैं आयुर्वेद क्या बोलता है कि शुक्र की रक्षा करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको कितने फायदे होते हैं वो समझेंगे, और बाद में हम ये भी जानेंगे कि यार कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। ये जो बोलते हैं कि शुक्र की रक्षा करने से शुक्र का अंतःस्खलन होने लगता है, भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे भी हम समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना पहले ही, और अगर आपने अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो देखने के बाद में। तो अब वीडियो आप देखिए, देखिए शुक्र की रक्षा करने से आपको कितने फायदे होते हैं, आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो आपके इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए उठाते हैं अपनी संहिताओं को। पहले हम बात कर रहे हैं चरक संहिता की, ठीक है। चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय 7 है, वेगान्य ना वेगान धारणीय अध्याय, यानी कि ऐसे वेग जिनका धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। चरक संहिता का है सूत्र स्थान अध्याय 7। अभी आचार्य चरक जी क्या लिख रहे हैं, ना वेगान धारिये बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। कौन से है? पहला है मूत्र पुरीष, ना रेत सो ना वात से ना छर्दी छड़ छबतुर जा, ना उद्गार से ना जृंभा, ना वेगान छुट पिपासियो, ना वाष्प से ना निद्राय निश्वास श्रमेण चा, ठीक है। अब बहुत लंबे हैं, मैं एक एक पढ़ के बता देती हूँ। पहला है मूत्र का, दूसरा है पुरुष का, तीसरा रेतस यानी कि शुक्र का, फिर अपान वायु यानी कि फार्ट जो मल मार्ग से बाहर निकलती है वायु, फार्ट। वमन है, छींक है, उद्गार है, जृंभा है, भूख है, पिपासा है, वाष्प है, और निद्रा और परिश्रम, परिश्रम से उत्पन्न श्वास। अब चूंकि अपन बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में, तो देख लेते हैं कि आचार्य यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। शुक्र का जब आप वेग धारण करते हो, यानी कि जब आप बिना प्रॉपर रिसर्च किए नो फैप या मस्टर्बेशन क्विट करने का सडनली ट्राई कर देते हो, तो क्या होता है, शुक्र का वेग धारण करने से मेढ़ वृषणों शूल अंग मर्दो हृदय व्यथा। मेढ़ मतलब पेनिस, वृषण मतलब टेस्टिकल, यानी कि पेनिस और टेस्टिकल में पेन होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके साथ ये फीलिंग होती है, अगर आप 4-5 दिन 6 दिन तक ज़बरदस्ती मस्टर्बेशन को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आपको अपने जेनाइटल ऑर्गन में, अपने पेनिस में, टेस्टिकल में पेन स्टार्ट होता है कि नहीं होता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद क्या है, हृदय में वेदना और मूत्र का रुक रुक कर आना, यानी कि अब आप में से ये लोग भी बताइएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा मस्टर्बेशन करते हैं या फिर मस्टर्बेशन को एकदम से रोक देते हैं, अचानक से ब्रह्मचर्य की जो बातें होती हैं कि ब्रह्मचर्य इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़कर और आधी नॉलेज के साथ में
आप शुक्र के वेग को रोकना धारण कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत डीप होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल सेक्सुअल एक्टिविटी को बंद कर दें। तो अगर आप जबरदस्ती का ये झूठा ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं तो उससे क्या आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो केवल चरक संहिता में लिखा है, हो सकता है दूसरी संहिताओं में ऐसा नहीं हो। तो कोई बात नहीं, आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए अब हम उठा लेते हैं सुश्रुत संहिता। ठीक है, मैंने एक कार्ड सजा के रखा है नोट बनाने के लिए कहाँ से मुझे आपको पढ़ाना है। अब क्या है कि आचार्य चरक ने इसी बात को लिए जो चैप्टर का नाम दिया था वो दिया था ना वेगांड धारणीय अध्याय, मतलब वो वेग जिनका धारण नहीं करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने इसका नाम चेंज कर दिया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में इसके बारे में वर्णन किया है, उन्होंने क्या बोला है, उदावर्त प्रतिषेध अध्याय। उदावर्त क्या होता है, ये 13 प्रकार के वेग जो आपको चरक संहिता में बताए वही 13, मूत्र है, पुरुष है, पान वायु है, शुक्र है, निद्रा है, छवतु है, छींक है, ये सारी चीज़ें, इनको यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा रोकते हो तो आपको उदावर्त रोग होता है, यानी कि आपकी जो अपान वायु है जिसकी गति अधोगति होनी चाहिए थी वो ऊर्ध्वगति करने लगती है और उससे आपको रोग होता है। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि अगर आप शुक्र का वेग ज़्यादा धारण करते हो, शुक्र को ज़्यादा रोकते हो, इसमें मस्टर्बेशन, सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी सभी आ रही हैं, तो क्या होता है, शुक्र का वेग रोकने से, शुक्र धातु का वेग रोकने से बस्ती अर्थात मूत्राशय में गुद प्रदेश और दोनों वृषणों में वेदना होती है। यानी कि गुद प्रदेश, एनाल रीजन, टेस्टिकल और पेनिस, इसमें पेन उठता है। मूत्र का रुक रुक कर आना, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बहुत लंबे समय तक मस्टर्बेशन को रोक के रखो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यूरिन बूंद बूंद करके आने लगती है, यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं होती, जिससे एलोपैथी में एक बीमारी भी कहते हैं कि यूरिनरी स्ट्रिक्चर डेवलप हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन पास करने की कैनाल है, यूरिथ्रा है, क्योंकि मेल के साथ क्या होता है कि शुक्र को पास करने का रास्ता और यूरिन को पास करने का रास्ता एक ही होता है। फीमेल में दो अलग अलग ओपनिंग होती है लेकिन मेल में एक ही ओपनिंग होती है जिससे दोनों कार्य होते हैं। तो जब शुक्र को आप ज्यादा रोकते हो तो उसकी वजह से यूरिथ्रा में प्रॉब्लम आती है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, यानी कि उसके शेप में प्रॉब्लम आ जाती है और इसकी वजह से आपको यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद लास्ट में हृदय पीड़ा अंगमर्द, यानी कि हृदय में एक दुखन सा होना, घबराहट होना, अंगमर्द, हाथ पैरों में टूटन होना, ये बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत। तो जो लोग जबरदस्ती आधी नॉलेज के साथ में बोल देते हैं कि अरे आयुर्वेद में तो शुक्र को रोकने के लिए कहा गया है, भाई आयुर्वेद में बहुत डिटेल में वर्णन है, केवल एक सिंगल क्लिप लाइक वर्णन नहीं है। हाँ, इतना वीडियो देखकर ये गलतफहमी मत हो जाना कि अगले दिन से आप पागलों की तरह मस्टर्बेशन करते रहो, उसके भी साइड इफेक्ट बताए गए हैं, उसे हम पढ़ेंगे आगे। अब हम किस में देख रहे हैं, आचार्य चरक का हमने देख लिया, आचार्य सुश्रुत का भी हमने देख लिया, अब ये एक और बुक है, कौन सी है, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, इन्होंने भी अध्याय का नाम चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, एक मीम है ना, सेम सेम पर डिफरेंट, सेम सेम पर डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, तो ऐसा एक मीम आया था या सॉन्ग आया था पता नहीं, कि एक ही चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं केवल उसका टाइटल चेंज कर रहे हैं। अब यार हर राइटर लिखेगा तो थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ना उसको। तो आचार्य वाग्भट ने जब अष्टांग हृदय लिखी है तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है, उन्होंने बोला है रोगान उत्पादीय अध्याय, मतलब वे कारण जिनकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। वे कारण में कौन से, जो इंसान खुद करता है, बाहर से इन्फेक्शन होके आ रहा है वो डिफरेंट चीज है, आपकी दिनचर्या में, आपके सोचने के तरीके में गलती होने के कारण जो आप गलती करते हो उसकी वजह से जो रोग पैदा होते हैं। तो आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय में, आचार्य वाग्भट दो हैं, एक ने अष्टांग हृदय लिखी है, एक ने अष्टांग संग्रह लिखी है, दोनों का नाम एक ही है आचार्य वाग्भट, एक को बड़ा वाग्भट एक को छोटा वाग्भट बोला जाता है आयुर्वेद की जो भी आयुर्वेदज्ञ लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट क्या लिखते हैं अष्टांग हृदय में कि शुक्र का वेग धारण करने से क्या होता है, एक मिनट, हाँ, शुक्र स्त्रवण, शुक्र का स्त्रवण हो जाता है, शुक्र पतला होकर बाहर निकलने लगता है,
गुह वेदना हो जाती है। रेफरेंस बता देती हूँ, हाँ कहाँ पर था आचार्य, वहाँ उत्तर तंत्र में वर्णन किया था आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के अध्याय 4 में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ क्या होता है, शुक्र का स्त्रवण होने लगता है, यानी कि शुक्र पतला होकर शरीर से बाहर निकलने लगता है। गुह वेदना यानी कि वृषण में, टेस्टिकल में, पैनिस में, एनाल केनाल में पेन उठता है, हृदय में पीड़ा होती है। सभी आचार्य बोल रहे हैं कि हार्ट के पेन होने लगते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा मस्टर्बेशन की अर्ज को या सेक्स की अर्ज को रोको, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल अर्ज को अगर आप बहुत ज्यादा रोकते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। अंगों का टूटना, पथरी और नपुंसकता जैसी कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में बात आई कि यहाँ मैं आपको सेक्सुअल चीज़ों के बारे में पढ़ा रही हूँ कि सेक्स की अर्ज को नहीं रोकना है। वहीं कुछ पागलपन वाले लोग हैं जो कोलकाता में इस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सेक्स के समय आपका जो फीमेल पार्टनर है उसको टॉर्चर करने से आपको कैसे प्लेजर मिलेगा। ये वाला जो प्लेजर है ना, जो रेप करने वाला जो प्लेजर होता है, वो वही है कि आपको दूसरे को अब्यूज करने में मजा आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति रेप कर रहा है ना, उसकी कंडीशन और किसी क्रिमिनल की जो मेंटल कंडीशन है वो सेम होती है कि हमें दूसरे को दुख पहुंचाने में मजा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मस्टर्बेशन करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ। मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि अगर आप आयुर्वेद के नाम पर, खास तौर से आयुर्वेद के नाम पर, बिना सही गाइडेंस के फालतू का ब्रह्मचर्य ट्राई कर रहे हो, फालतू का ब्रह्मचर्य मतलब वही चीज, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, केवल सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना, जो कि ये नो फैप वाली कम्युनिटी करती है, तो इसमें आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, है ना। तो ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है और सेम चीज है अष्टांग संग्रह में। अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान में उन्होंने ना अध्याय का नाम सेम ही रखा है, ना रोगान उत्पादीय अध्याय, उन्होंने भी सेम चीज का ही वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा एक रेफरेंस हो गया यहाँ तक का। और इस मामले में और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, वो भी हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोलकाता वाले कांड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सेक्सुअली अवेयर होना ज़रूरी है। आप दूसरे को दुख पहुँचा करके, दूसरे के साथ फिजिकली वायलेंस करके कभी भी सेक्सुअल प्लेजर नहीं हासिल कर सकते। सेक्सुअल प्लेजर आपको सही तरीके से सेक्स की अर्ज को समझ के ही आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे कंट्रोल कर रहे हो, हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, गलत संगति में आकर, गलत संगति जो आपको हद से ज़्यादा ब्रह्मचर्य के लिए मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि शुक्र को धारण करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, वो भी हम आगे वीडियोज़ में पढ़ देखेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कुंडलिनी शक्ति क्या है, शुक्र का वेग, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।